हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ नवरात्रि स्पेशल रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज की रेसिपी आपके लिए बहुत ही हेल्दी होने वाली है, तो आइए अब बिना कोई देर के डिलीशियस रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे व्रत वाली आलू की सब्जी। उसके लिए मैंने यहाँ पर दो आलू को उबाल लिया है, उबालकर इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं थोड़े से कड़ी पत्ते, दो से तीन हरी मिर्च जिसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसको कि मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले पैन को अच्छा से गर्म होने दें, उसके बाद इसमें छोटी दो से तीन चम्मच ऑयल ऐड करें और ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल है, ये दो से तीन चम्मच ऑयल है क्योंकि हमने यहाँ पर दो आलू ही लिए हैं। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर आधा चम्मच जीरा, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये कड़ी पत्ते और ये ग्रेटेड अदरक। इन सब चीज़ों को पहले हम अच्छे से चटकने देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। ये देखिए मुश्किल से एक से दो मिनट ही लगे हमें। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये बॉईल किए हुए आलू जिसको कि मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट कर रखा हुआ था छोटे छोटे पीसेज में। ये बहुत ज़्यादा छोटे पीसेज भी नहीं है, मीडियम साइज़ के पीसेज में कट करके रखा हुआ था। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच सेंधा नमक। मैं इसके अंदर हल्दी का यूज़ नहीं करने वाली हूँ। अगर आप लोग व्रत में हल्दी खाते हैं या फिर जो भी लोग व्रत में हल्दी खाते हैं वो इसमें ज़रूर डालें हल्दी, लेकिन मैं इसमें हल्दी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। मुश्किल से तीन से चार मिनट हुए इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए, और मीडियम फ्लेम पर चार मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले से उबले हुए आलू लिए थे। लास्ट में मैंने ऐड कर दिया इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बस अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, अब इसे साइड में रख देंगे। आपकी सब्ज़ी जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी यम्मी हमारी सब्ज़ी लग रही है, बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। बस अब इस व्रत वाली सब्ज़ी को साइड में रख देंगे। अब करेंगे हम लोग व्रत वाले रोटी की तैयारी। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है राजगिरे का आटा, ये आपको किसी भी प्रोविज़न स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। राजगिरे का आटा हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है ये। हमें व्रत के अलावा भी इसकी रोटी खानी चाहिए। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है लेकिन ये काफ़ी हेल्दी होता है, इसलिए आपको इसे ज़रूर खाना चाहिए। मैंने आटे को छान लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच सेंधा नमक। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं बिल्कुल थोड़ा सा जीरा। जीरा डालना इसमें बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और बिल्कुल थोड़ा सा न के बराबर इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया, ताकि हमारी रोटी जो है वो दिखने में थोड़ी सी अच्छी लगे, और कोई बात नहीं, बाकी आपकी चॉइस है। अब एक बार मैंने इसको सूखे आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से गूंथ लेंगे। एक साथ आप इसमें सारा पानी नहीं डालें, क्योंकि अगर आपका आटा ढीला हो गया या फिर बहुत ज़्यादा टाइट हो गया तो आपकी रोटी जो है बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनेगी। और एक और ख़ास बात कि राजगिरा का आटा बहुत ही अच्छे से बाइंड नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से इसके अंदर बाइंडिंग आती है, इसलिए डो का परफेक्ट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको डो रेडी करना है, बहुत ही केयरफुली आपको आटा लगाना है। आटा नहीं बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट डो बनाकर हमें रेडी करना है। ये देखिए मैंने आटे को गूंथ लिया है, और आप देख सकते हैं अभी भी इसके अंदर बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं आई है, बड़ी मुश्किल से इसके अंदर बाइंडिंग आती है। ये बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं गुथाएगा, बस ऐसा ही गुथाएगा। हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाए। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं हमारा आटा ना ही बहुत ज़्यादा टाइट है और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ है, सॉफ्ट है। अब आप हाथों को ऑयल या घी से ग्रीस कर लें, उसके बाद एक बार इसे और गूंथ लें ताकि हम अच्छे से रोटी बेल पाएँ। इस टाइम पर आप पानी लगाकर आटा न गूंथें, वरना आपका आटा जो है वो चिपकने लगेगा और रोटी नहीं बन पाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आपको। अब यहाँ पर मैंने जो थोड़ा सा आटा बचा कर रखा था सूखा वाला, वो ले लिया है। बहुत ही हल्के आँच से आपको रोटी बनानी होगी। अब इस आटे की मैं 4 रोटी बनाने वाली हूँ। मैंने 4 लोई बना ली है, और इस तरह से लोई को
फ्लैट कर लिया है और बहुत ज़्यादा हल्के हाथ से आपको इसे बेलना है। हो सकता है फर्स्ट बार में आप इसे ना बेल पाए, सेकेंड या थर्ड बार में आप इसे बेल पाए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है इस रोटी को बनाना। ये देखिए जैसे आप रोटी को उठाएंगे और ये इस तरह से टूट फूट कर जाएगी, इसलिए आप बहुत ज़्यादा हल्के हाथ से इसे हैंडल करें और इस तरह से सूखा आटा डस्ट करते जाएं और उसके बाद इसे बेलें। इस रोटी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना होता है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। अगर मोटा बनाएंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और बहुत ज़्यादा पतला बनाएंगे तो आप इसे प्लेटफॉर्म से उठाकर तवे तक भी नहीं ले जा पाएंगे, ये रास्ते में ही टूट जाएगी, बिखर जाएगी। इसीलिए एवरेज साइज़ की आप रोटी बनाएं, इसकी मोटाई जो है एवरेज होनी चाहिए। ये देखिए हमारी रोटी बनकर तैयार है। अब इस तरह से सूखा आटा ऊपर से हटा लेंगे। ये देखिए जब हम रोटी बेल रहे थे उस टाइम पर मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक तवा गर्म होने के लिए रख दिया था, और बहुत ही आहिस्ता से आप इस तरह से रोटी को डालें और जब एक तरफ से हल्की सी सीख जाए उसके बाद इस तरह से स्पैचुला की मदद से इसे टर्न कर लें, क्योंकि हो सकता है अगर आप इसे फर्स्ट टाइम हाथ से टर्न करने की कोशिश करें तो आपकी रोटी जो है वो टूट जाए। और इस तरह से अलट पलट करते हुए आप इसे सेक लें। आप कपड़े की भी मदद ले सकते हैं, कपड़े की मदद से भी इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए सेक लें। ये थोड़े से डार्कपन में होती है रोटी, बहुत ज़्यादा वाइट नहीं होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। आप व्रत में इस रोटी को ज़रूर से बनाएं और ज़रूर से खाएं, इससे आपको काफ़ी एनर्जेटिक फील होगा अगर आप व्रत में ये रोटी बनाकर खाते हैं तो। मैंने यहाँ पर चारों रोटी बनाकर तैयार कर ली है। ये 150 से 200 ग्राम आटे से मैंने चार रोटी बनाकर तैयार की है। लगभग 150 ग्राम आटा लिया था हमने और उससे चार रोटी बनाई है। और फटाफट से इस रोटी के ऊपर अच्छे से घी लगा देंगे और फटाफट से इसे सर्व करेंगे, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। अब हम जल्दी से व्रत की थाली तैयार कर लेते हैं। ये मैंने कुछ थोड़ी सी ककड़ी काट ली है और आलू की सब्जी, और ये रोटी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस नवरात्रि मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी काफ़ी हेल्दी है। इसी तरह की अच्छी अच्छी और ईजी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।